हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जब हमें यूनिवर्स अवेयर करते हैं उस समय हमारे साथ क्या क्या चीज़ें होने लग जाती हैं। पहले तो हम नेगेटिव थे ना, बट अब हम अवेयर हैं। तो हमारी जो अवेयरनेस की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? हमारी अवेयरनेस की शुरुआत होती है, साइन नंबर वन, हमारे अहंकार को तोड़कर। जब हमारा अहंकार टूटता है तब यूनिवर्स हमें अवेयर करते हैं कि तुम सोल कॉन्शियस बनो। साइन नंबर टू, हमें रेपिटेटिव नंबर्स दिखना शुरू हो जाते हैं, खासकर 111 111। बहुत दिखता है, बार बार दिखता है, आप एकदम से नंबरों की खोज में लग जाते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? ये अवेयरनेस की साइन। जब आपको यूनिवर्स अवेयर करते हैं तब आपको इस तरीके के साइन दिखने शुरू होते हैं। साइन नंबर थ्री, एकदम से आपको खुशबू आती है, अचानक से आपको खुशबू आ जाती है कहीं पर से भी, और आप पूछते हो इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस कहाँ से आई, बट आसपास कोई नहीं होता, वो एंजल्स होते हैं। यहाँ पर एंजल्स आपको बार बार आके अवेयर करते हैं। आप थोड़े बहुत भी नेगेटिव होते हो तो तभी आपके यूनिवर्स आपको एकदम से अवेयर कर देते हैं। ये साइंस हैं अवेयरनेस के, जब यूनिवर्स आपको अवेयर करते हैं। आप सिचुएशन को सिचुएशन के ही हवाले छोड़ करके आप यूनिवर्स पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं। आपको यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, नेचर से लगाव होना शुरू हो जाता है। ये साइन है जब यूनिवर्स आपको अवेयर करते हैं। आपको बॉडी कॉन्शियस से निकालकर सोल कॉन्शियस में शिफ्ट करते हैं तब ये साइंस आपको दिखते हैं। क्योंकि जब हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं तब हम सारी चीज़ें, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं और दूसरे इंसान को माफ़ नहीं कर पाते। बट जैसे ही हम सोल कॉन्शियस होते हैं तब हमें ये पता चलता है कि ये हमारे पास्ट कर्मा का नतीजा है और मेरी ये वजह से ये सब हुआ है, मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर किया होगा। जब ये थॉट हमारे माइंड में क्रिएट होती है फिर हमारे अंदर एक अलग से एनर्जी क्रिएट होती है जो होती है फॉरगिवनेस की। तो जो हमारे साथ गलत भी कर रहा है फिर हमें फॉरगिवनेस में आ जाते हैं, हम उसे आसानी से माफ़ कर देते हैं। ये होता है सोल कॉन्शियस। तो यहाँ हमें परमात्मा शिफ्ट करते हैं अवेयरनेस में लाके, और ये आपको साइन दिखाते हैं। और फिर बस धीरे धीरे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।